ध्यान पूर्वक समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉइन, केवल मान निकालना। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 फिर प्लस साइन इनवर्स 1/2 वो भी कैसा माइनस। अब ध्यान पूर्वक देखना ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करना है। हमने फॉर्मूला आपको पढ़ा है, क्या पढ़ा है ध्यान पूर्वक देखना, और मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के लिए क्या बताया कि फॉर्मूला में बताया कि इस प्रकार से देख लो यदि साइन इनवर्स थीटा है और प्लस कॉस इनवर्स थीटा है तो क्या निकलता है -2 निकलता, बोले तो 90 डिग्री निकलता है। आप जरा ध्यान पूर्वक देखना साइन इनवर्स एंगल क्या है थीटा प्लस कॉस इनवर्स क्या है थीटा, दोनों का एंगल यदि मैच करेगा तभी आपका आउटपुट होगा अन्यथा आउटपुट नहीं होगा। क्या आपने बोला कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा दोनों जगह पे थीटा थीटा मैच करेगा तो आउटपुट क्या निकलेगा π/2। अब ध्यान पूर्वक देखना कि यही चीज घुमा दिया है, पहले कॉस इनवर्स दे दिया अब बाद में साइन इनवर्स दिया, इसे कोई दिक्कत नहीं। पहले समझो कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है ना, और इस पर क्या है इसमें भी माइनस 1/2 क्या दोनों ये मैच कर रहा है यस सर। अच्छा मैच कर ये भी देखो साइन इनवर्स इसको मान लो थीटा तो समूचा को थीटा मान लो yes. आप फिर प्लस कॉस इनवर्स थीटा तो इनके जगह पे आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हो कोई दिक्कत। आप देख लो फार्मूला साइन इनवर्स यदि a पूछ दे प्लस कॉस इनवर्स भी a पूछ दे तो क्या निकलेगा π/2। यहां पर क्या है साइन इनवर्स, यहां पर क्या है कॉस इनवर्स, ये क्या है एंगल है, ये क्या है ए, दोनों मैच किया तो क्या बना π/2 बना। अब देख लो ये फार्मूला और हमने बहुत बार आपको बताए थे कि tan इनवर्स अंदर क्या होना चाहिए tan थीटा होना चाहिए तो क्या निकलेगा थीटा निकलेगा। अब ध्यान से देखना बात क्या है tan इनवर्स क्या आपको मालूम है tan कितना डिग्री का विलोमान होता है 45 डिग्री होता है। क्या आप इनको लिख सकते हैं π/4 आप प्लस कितना π/2 बाहर क्या है tan अंदर क्या है tan दोनों मैच कर रहा है एंगल क्या है एंगल π/4 है क्या एंगल बाहर निकलेगा तो लिख दो π/4 आप प्लस कितना π/2 दोनों मैच में कितना होगा 4 को पकड़ लो 4 से डिवाइड करो एक बार में 4 को पकड़ लो 2 से डिवाइड करो दो बार में इससे कितना 2π बोले तो कितना 3π/4 आंसर ओके